परिचय नमस्कार दोस्तों अपने शरीर के समुचित विकास के लिए ऊर्जा पाने के लिए हम नियमित आहार ग्रहण करते हैं हम कह सकते हैं कि स्वस्थ भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है आइए हम जो आहार खाते हैं उसके बारे में और जानें आओ सीखें आहार और इसके प्रकार बताना आहार में जल का महत्व बताना आहार की स्वच्छता के महत्व को जानना आहार के संग्रहण और सुरक्षा के बारे में बताना आहार स्वस्थ रहने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के आहार की जरूरत होती है क्या आप जानते हैं कि आहार में कई पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वसा प्रोटीन खनिज और विटामिन होते हैं हम आहार को तीन मुख्य भागों में बांट सकते हैं ऊर्जा देने वाले आहार शरीर निर्माण करने वाले आहार सुरक्षा देने वाले आहार ऊर्जा देने वाले आहार दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि शरीर को विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है हम मुख्यतः ऊर्जा देने वाले आहार से ऊर्जा प्राप्त करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और वसा जैसे आहार हमें तत्काल ऊर्जा प्रदान करते हैं और इसीलिए इन्हें ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कहते हैं शरीर निर्माण वाले आहार आहार हमारे शरीर के समुचित विकास में भी योगदान देते हैं अत्यधिक प्रोटीन वाले आहार को शरीर निर्माण वाले आहार कहते हैं सुरक्षा देने वाले आहार आइए सुरक्षा देने वाले आहार के बारे में जानें। इस तरह के आहार हमें बीमारियों से बचाते हैं ये हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधी बनाते हैं जो आहार हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करें उसे सुरक्षा प्रदान करने वाला आहार कहते हैं सुरक्षा देने वाले आहार में विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में होता है जल दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आहार के अतिरिक्त हमारे शरीर को प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में जल की भी जरूरत होती है आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि बहुत से पेय पदार्थों में जल मिला रहता है क्या आप जानते हैं कि यदि हम प्रतिदिन खासकर गर्मियों में पर्याप्त मात्रा में जल न पिए तो हम बीमार पड़ सकते हैं इसलिए हमें प्रतिदिन चार से छह गिलास पानी जरूर पीना चाहिए आहार स्वच्छता अब हम अगले बिंदु पर आते हैं क्या आप जीवाणु से भयभीत हैं हम्म ये हर जगह हैं और आपको बीमार कर सकते हैं इसलिए हमें खुद को बीमारी से बचाने के लिए कुछ आसान उपायों को अपनाना चाहिए खाना खाने से पहले और बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं, अपने नाखूनों को नियमित काटें कच्चे फल और सब्जी को साफ पानी से धोकर खाएं, ताजा पका भोजन खाएं और गंदे एवं बासी भोजन से परहेज करें आहार सुरक्षा और संग्रहण आइए आहार को खराब होने से बचाने के लिए किए जाने वाले आहार सुरक्षा और संग्रहण के बारे में जानें। पानी को उबालने से इसके जीवाणु मर जाते हैं रेफ्रिजरेटर में खाना जीवाणुओं से सुरक्षित और ठंडा रहता है फलों और सब्जियों को पूरी तरह से धोएं। आहार को पन्नी कपड़े या ढक्कन से ढका होना चाहिए हमने क्या चर्चा की आहार कई पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वसा प्रोटीन खनिज और विटामिन से बनता है आहार को तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है ऊर्जा देने वाले आहार शरीर निर्माण करने वाले आहार और सुरक्षा देने वाले आहार हमें प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में जल की भी आवश्यकता होती है हमें आहार को जीवाणु मुक्त रखने के लिए उसे स्वच्छता पूर्वक रखना चाहिए